स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी में। मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में नगर पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है। क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार जनता के बीच उपस्थिति दर्ज करा रही है। हर प्रत्याशी जनता का दिल जीतने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में जनता के सामने भी विकट संकट आ गया है कि आखिर किसे अपना उम्मीदवार चुने। सिवान जिले के गोपालपुर नगर पंचायत में प्रथम बार नगर पंचायत चुनाव होना है, जहां से शब्बीर अंसारी लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में शब्बीर अंसारी ने 5 साल सेवा दिया। अपने कार्यकाल में विकास कार्यों का चर्चा करते हुए शब्बीर अंसारी ने बताया, काम किया हूं, काम करूंगा, जनता का सम्मान करूंगा। नगर पंचायत चुनाव बहुत करीब है, हम सब जनता की अदालत में है। मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित वर्ग जनता जनार्दन से अपील करता हूं, मेरे पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए पुनः सेवा का मौका दे, निश्चित तौर पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के गोपालपुर नगर पंचायत क्षेत्र में। चूंकि गोपालपुर पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, इस बार सरकार के तरफ से एक साहसी कदम उठाते हुए इसको नगर पंचायत में तब्दील किया गया है। ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य के रूप में शब्बीर अंसारी साहब सेवा दिए हैं। इस बार नगर पंचायत का चुनाव बहुत करीब है और ये लोग लगातार अपने जनता के बीच अपना उपस्थिति भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत के माध्यम से इनके वार्ड में किस तरह का विकास का काम हुआ और नगर पंचायत में इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। शब्बीर अंसारी साहब, 5 साल आपने सेवा दिया है, पुनः आप लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं, चूंकि अब आपका क्षेत्र नगर पालिका नगर पंचायत हो गया है। कौन कौन सा 5 साल में विकास का काम हुआ आपके यहाँ? 5 साल में हमने नली गली का काम करा है। जी जी, प्लस नाला का रोड पे जो नाला दिख गया है, ये नाला काम कराया और 72 शौचालय बनवाया। जी जी, और लगभग 250 व्यक्ति को शौचालय का पैसा दिलवाया। जी जी, इसी कार्य पर हम अपना फिर दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जनता ने आपको वार्ड पार्षद के पद पर सुशोभित किया, 5 सालों तक सरकार के तरफ से जो भी जन उपयोगी योजनाएं चलाई गई उसको आपने धरातल पर उतारने का काम किया, जिसमें PCC सड़क का निर्माण हुआ, पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण हुआ, नाला पक्का नाला का निर्माण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना को भी आपने माध्यम से, हमारे वार्ड के माध्यम से नल जल का भी काम हुआ है। नल जल में भी आपने बेहतर प्रयास किया और काम किया। चूंकि इस बार फर्स्ट बार नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है आपके इलाका में, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जनता से आप अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि भाई हमारा क्षेत्र जो हुआ है नगर पंचायत हुआ है जी, और नगर पंचायत के नजर में रखते हुए सभी लोग अपना अपना मतदाता को चुने जी, जो काम करे। निश्चित तौर पर यह है शब्बीर अंसारी साहब, इनका यह कहना है कि 5 साल जो हमने सेवा किया है उसको लेकर के मैं जनता के अदालत में हूँ, इस बार जनता पुनः मुझे सेवा का मौका देगी तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का बेहतर विकास करूंगा और काम करूंगा। मैं दीनदयाल तिवारी। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा खबरों को लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।